इस ठंडी ठंडे दिन में आप सबका स्ट्रीमर स्वागत करता है। तो आज हम सुनेंगे कही सुनी। तो सबसे पहले तो एक है मेरे जान पहचान की एक लेडी हैं, उन्होंने वो गई थी अपनी दांत की RCT करवाने एक डेंटिस्ट के पास। तो डॉक्टर ने कहा अपने असिस्टेंट को कि तुम दोनों इसका ध्यान रखो, 5 मिनट बाद मुंह में से रुई निकाल के पेशेंट को जाने देना। अब हुआ कुछ यूं कि वो जो दोनों असिस्टेंट थे, एक इधर पेशेंट के एक इधर, वो दोनों आपस में बात करने लगे। एक पूछता, भाई तुझको बड़ी खांसी है, तू ठीक तो है? वो बोलता, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे। उतने में वो जो पेशेंट थी उन्होंने कहा, भाई तुम दोनों खड़े हुए हो तो ठीक ही होगे ना, अगर ठीक नहीं होते तो क्या खड़े हो पाते। अब हम चलते हैं दूसरी जॉब की तरफ। तो हुआ कुछ यूँ, वो जो छोटे बच्चे की कहानियाँ मैं बताती रहती हूँ ना, तो उनमें से एक ही है। तो अब ये बच्चे की दिमाग की वो पावर सोचो। हाँ, बास्केटबॉल खेल रहे थे। अब बास्केटबॉल की नेट कैसी होती है, नीचे से कटी हुई होती है ताकि बास्केट जब करो तो वो नीचे से आ सके। अब वो बच्चा कहता टीचर को, सर मैं उस नेट पे बॉल क्यों डालूं, वो नेट में से तो निकल के आ जाएगी ना बॉल, तो उस नेट में डालने का क्या फ़ायदा, वो नेट पूरी बनी होती तो हम उसमें डालते तो ऐसे दूर से देखते कि ओहो हो कितनी सुंदर लग रही है नेट में। अब बताओ वो बच्चे ने ना आगे खेलने से ही मना कर दिया, कहता वो नेट में जब बॉल रहेगी नहीं तो मैं क्यों खेलूँ। किसी को उत्तर हो मिले इस जवाब का तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। धन्यवाद।